कि मेरे जीवन के हर डिसीजन में उदयपुर का इम्पैक्ट था। आई हैड नॉट सीन सच ए सीनिक ब्यूटी व्हाट इज देयर ऑन द फतेह सागर स्पार। मैं उदयपुर को लेके थोड़ा टची, तू झीलों की ब्यूटिफिकेशन पे काम नहीं होता। गौरव वल्लभ क्या सोचता है वो एक महत्वपूर्ण चीज है। टूरिस्ट एक एक्सपीरियंस लेके जाना चाहता है, इको टूरिज्म, इको के साथ साथ स्पोर्टी टूरिज्म। चुनाव के महज 9 से 10 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जादूगर अशोक जी गहलोत, उन्होंने 19 नए जिलों का गठन किया है। अब आप हर 5 साल में चुनाव होते हैं, कोई अगर 1 साल पहले भी करे तो कैसा, आप 1 साल पहले, अरे जिलों का गठन की जो कमेटी है वो 9 महीने पहले गठित नहीं, बीजेपी के पास राजस्थान ना तो नेता है, ना नीति है, ना नियम। नरेंद्र मोदी जी ने कहा राजस्थान इज ए मॉडल स्टेट फॉर कोरोना मैनेजमेंट। तो आपकी विधायक सीट के लिए प्रबल दावेदार या लीडर किसे हम देखते हैं? मैं कहता हूँ मोदी जी ट्यूशन लीजिए इनसे, शाम को ट्यूशन लीजिए कि गुड गवर्नेंस कैसे चलानी। आप मेरे को बताओ, मैं तो थोड़ा बहुत समझता हूँ, मोदी जी से तो कम ही ज्ञान है मुझे इकोनॉमिक्स का, क्योंकि वो तो दुनिया में सब ज्ञान, चंद्रयान भी उन्हीं का है, ज्ञान से वही बनाते हैं। मोदी जी 8 बजे आते हैं, देश के लोग घबरा जाते हैं कि आज पता नहीं 12 बजे क्या होता है। तो नोटबंदी से तालाबंदी के निर्णयों में उद्योगों में लगते ताले, हमें इसको हब बनाना है AI, ML और एनालिटिक्स, इवन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हालांकि मैं आपके जवाब देता हूँ, मोदी जी मेरे देखो कई लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, फलाना मेयर बने हुए, फलाना एक्स मेयर बने हुए, फलाना डिप्टी मेयर बने हुए, आर दे नॉट रेस्पॉन्सिबल, या झूठे नंबर्स चाहिए तो अमित शाह साहब दे। 1962 में इसरो स्थापित करना विजनरी आदमी कर सकता है, हार्ड वर्क में अशोक गहलोत से बड़ा हार्ड वर्क पूरे देश में, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। Something is better than nothing, but nothing is also better than nothing. Kamagani and welcome to the latest episode of Chunavi Tapri. मेवाड़ की चुनावी टपरी में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेशनल स्पोक्सपर्सन, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस एट XLRI एंड वेरियस अदर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री, डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स LLB और बहुत सी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस में ही सर्व्ड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डॉक्टर प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी। गौरव जी वल्लभ, हमारा इस चुनावी टपरी शो में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। थैंक यू। गत कुछ दिनों से उदयपुर शहरों में मैंने होर्डिंग्स देखी है, आपनो उदयपुर आपनो गौरव। विधायक की रेस में एक चुनावी चेहरा जो कांग्रेस प्रस्तुत कर रही है, उसमें हम क्या ये माने कि आपकी एक मजबूत दावेदारी पेश की जा रही है? और गौरव वल्लभ जी कौन है एवं वो उदयपुर शहर से क्या ताल्लुकात रखते हैं? आपनों उदयपुर तो आपनों गौरव है जी, बिल्कुल। इसमें तो कोई डिफरेंट बटी नहीं है, और हर उदयपुर वासी जो यहाँ रहता है जी, वो हमेशा भगवान को थैंक्स देता है कि आप अपनी किस्मत ऐसी दी थी भगवान की, आपा उदयपुर में रह रिया है जी। तो उदयपुर में रहना है इज नॉट ए स्मॉल थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल जी। क्यों नहीं है? क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा जी, पूरी दुनिया की सबसे सुंदर, और कई जो प्रोफेशनल एजेंसीज है उन्होंने दुनिया की सबसे सुंदर शहर का किताब अपना उदयपुर ने दिया जी। तो अपना उदयपुर तो अपना गौरव है ही जी, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट दैट जी। सेकंड चीज जो आपने पूछी कि आपका क्या ताल्लुकात है ताल्लुकात से, मतलब मेरा ताल्लुकात बहुत पुराना है, और मेरा ताल्लुका इतना पुराना है कि मेरे जीवन के हर डिसीजन में उदयपुर का इम्पैक्ट है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मेरे डिसीजन में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर मेरी पत्नी है जी, और मेरी पत्नी की स्कूलिंग, कॉलेज, रहना उसकी सारी उदयपुर से हुई है। वो इंजीनियरिंग करी उसने CTI से जी। उसके अलावा
मेरे पास मतलब आई हैड ए हाउस फॉर लास्ट 15 प्लस इयर्स, मेरे पास 15 साल से ज्यादा समय से यहाँ पर घर है जी। तो मेरा उदयपुर से ताल्लुकात है, मेरे रिश्तेदारियां यहाँ है, मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया, तो जब माता पिता का स्वर्गवास हो जाए तो आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ ही माता पिता है, वो यहाँ पिछले 100 साल से रह रहे हैं, तो ताल्लुकात कोई ऐसा नहीं। आई यूज टू कम, मैं पहले भी उदयपुर निरंतर रूप से आता था जी, आज भी आता हूँ जी, और आगे भी आता रहूंगा। तो इसमें आप कहें कि इस फलाना आपने कर लिया, अरे भाई पहले भी मैं 10 बार साल में, 15 बार साल में, 5-5 10-10 दिन के लिए आता था, लोगों से मिलता था, लोगों को समझता था। और मुझे तो मतलब जो ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है, आप जाके देखिए, आप जितने भी आपके दर्शक है, आप 5 मिनट आप फतेह सागर पे घूम के देखिए, और मैंने दुनिया के 40+ कंट्रीज ट्रेवल किया है, आई हैड नॉट सीन सच ए सीनिक ब्यूटी व्हाट इज देयर ऑन द फतेह सागर स्पार, इससे सुंदर सीनिक ब्यूटी मैंने वेनिस में भी नहीं देखी। तो क्यों क्यों ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि जनवरी 2023 में सारे रिकॉर्ड टूट गए और 194,000 टूरिस्ट आ गए, ये डाटा गवर्नमेंट का डाटा है, 6 लाख की पॉपुलेशन है हमारी, 194,000 जब टूरिस्ट आए जनवरी 2023 में, तो 14 साल के रिकॉर्ड टूट गए, और वेनिस की पॉपुलेशन है मात्र 2.5 लाख, और हर महीने टूरिस्ट आते हैं लगभग 4.5 लाख, तो वहां पे डबल से भी ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, और हमारी पॉपुलेशन के 15% पे आता है तो रिकॉर्ड टूट जाते हैं। तो देर इज समथिंग जो हमको सोचना, हमें कैसे आकर्षित करना और ध्यान रहे, मैं हमेशा कहता हूँ रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म, हमें ऐसा भी टूरिज्म नहीं चाहिए कि टूरिस्ट आए और हमारे झीलों को, क्योंकि झील सार मतलब उदयपुर में झील के अंदर कोई कुछ डाल देता है या कोई थैली फेंक देता है, तो ये समझो कि आप किसी के ड्राइंग रूम के बड़े कालीन के ऊपर आप थैली फेंक देते हो, उस उदयपुर वासी को उतना ही दर्द होता है जी। तो क्यों क्यों इस पे काम नहीं होता, क्यों झीलों की ब्यूटिफिकेशन पे काम नहीं होता, क्यों जो आयड नदी का इश्यू है, उसके सौंदर्यीकरण का इश्यू है, उस पे काम नहीं होता, क्यों उदय सागर की ब्यूटिफिकेशन पर काम नहीं होता। मैंने मेरे पास बहुत थॉट्स है, आई कैन स्पीक ऑन द डेवलपमेंट एंड टेकिंग द उदयपुर टू द नेक्स्ट लेवल फॉर एक, वो पूरा एक दिन बोल सकता हूँ, माइक्रो थॉट्स है जी। ये मैं आपको भी मैक्रो थॉट्स बताए, पर आई हैड माइक्रो थॉट्स कि ये ब्यूटिफिकेशन कैसे होगा, उसकी क्या कॉस्ट है, उसके कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है, आई कैन स्पीक ऑन दैट। ये बात बराबर है, और जैसे कि आपने इसका पूर्ण रूप से मुझे जवाब दिया कि आप उदयपुर शहर से एक ताल्लुकात रखते हैं, और हमारा यह पूछने का यह कोई सवाल नहीं था कि वेदर आप शहर से ताल्लुकात, हमारा केवल यही एक वास्ता है आपसे सवाल पूछने का कि हमारे जो दर्शक आपको इस समय देख रहे हैं वो ये जान सकें कि गौरव वल्लभ आज ही चेहरा नहीं है, ये चुनाव से पहले का चेहरा नहीं है, या आप एक वास्तविकता में उदयपुर से एक वास्ता रखते हैं। खैर इसी दरमियान में मुझे एक आपसे ये भी बात जाननी थी कि आपका जन्म तो चूंकि जयपुर में हुआ, आपने एक्सएलआरआई जमशेदपुर में भी पढ़ाया है, बहुत से आईआईएम्स में भी आप एक फाइनेंस के प्रोफेसर के रूप में आपने सेवाएं दी है। दूसरा 2019 में झारखंड इलेक्शंस, 2023 में राजस्थान इलेक्शंस, तो क्या ये तबादला थोड़ा जल्दबाजी में नहीं? मैं पार्टी का एक डिसिप्लिन्ड आदमी, गौरव वल्लभ क्या सोचता है वो एक महत्वपूर्ण चीज है जी, पर उससे पहले मेरे लिए मेरी पार्टी आइडियोलॉजी, और उसके ऊपर पार्टी के ऊपर भी मेरे लिए मेरा देश जी, ये मेरी प्रायोरिटी बिल्कुल सिंपल जी। तो आप मेरी पार्टी ने मुझे कहा ये करना है, ये करेंगे जी। मेरी पार्टी ने, आप कह रहे हो कि आप यहाँ से उदयपुर से चुनाव लड़ना कि क्या आपकी प्लानिंग है, देखिए प्लानिंग व्यक्ति बनाते हैं, बनानी भी चाहिए, पर हाँ मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास उदयपुर को लेकर, क्योंकि उदयपुर मेरे जीवन में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है, जो मैंने बताया जी, मेरे हर डिसीजन की 50% स्टेक होल्डर मेरी पत्नी है जी, वो प्योरली उदयपुराइट है जी, उसकी सोच, उसकी बात, उसका थॉट प्रोसेस उदयपुर से लेकर, फिर मेरा लगातार यहाँ पर
आना जाना रहता है जी। तो मेरे पास उदयपुर को लेकर एक विजन जी। और मैं उदयपुर को लेकर थोड़ा टची कि कैसे उदयपुर को आप, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, वो डाटा जो मैंने दिया कि 6 लाख की पॉपुलेशन पर आप 2 लाख के आसपास जब टूरिस्ट एक महीने में आ जाते हैं तो आप कह देते हो कि भाई बड़ा बम्पर रिकॉर्ड टूट गया। और एक 2.5 लाख की पॉपुलेशन वाला शहर वो महीने में 4.5 लाख टूरिस्ट वहां पर फुटफॉल कर रहे हैं, प्रिसाइसली बताऊं तो 4,58,000। तो वाई वी एटलीस्ट 6 लाख पे 6 लाख की तो ड्रीम करें जी। वो कैसे होगा जी? वो होगा जब तक हमारी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी नहीं होगी, दुबई और सिंगापुर से उस लेवल को पाना हमारे लिए क्वेश्चन मार्क। वो कैसे होगा जब तक हमारी डायरेक्ट साउदर्न इंडिया से ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं होगी, उस नंबर को पाना मुश्किल होगा। वो कैसे होगा जब तक हम इको फ्रेंडली और टूरिस्ट फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं लेके चलेंगे, तब तक उस नंबर को पाना मुश्किल होगा। वो कैसे होगा कि टूरिज्म अपनी शेप बदलता है। 10 years बिफोर टूरिज्म था हेरिटेज जी, नाउ टूरिज्म इज मोर स्पोर्टी। यू हैव टू मूव द टूरिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टूरिस्ट एक एक्सपीरियंस लेके जाना चाहता है। मैं कहूं कि इको टूरिज्म, इको के साथ साथ स्पोर्टी टूरिज्म जी, जो एडवेंचरस टूरिज्म जिसको हम कहते हैं, एक यादगार लेके जाना चाहता है वो। जब भी टूरिस्ट कहीं जगह जाए, आप भले एक जगह गए, आप उस एक जगह को याद लेके जाना चाहते हो कि जब भी उस चीज की याद आए आपको उस एक जगह की याद आए। उदयपुर में अपार संभावना है। आई कैन टेल यू इनडेफिनेट पॉसिबिलिटीज अनएक्सप्लोर्ड। वी हैव टू टुगेदर, और ये दिस इज नॉट आई एम सेइंग आई विल डू और यू विल डू और एनी वन इंडिविजुअल कैन डू। समग्र रूप से साथ मिलकर ये चीजों को हमें अचीव करना है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। एक दृष्टिकोण, एक राजनेता का होना किसी शहर को चलाने के लिए और उसके विकास के लिए बहुत जरूरी है, इस बात से मैं सहमत हूं। पर उसी के साथ साथ मेरे मन में ये ख्याल भी आता है कि अभी चुनाव के महज 9 से 10 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जादूगर अशोक जी गहलोत, उन्होंने 19 नए जिलों का गठन किया है। मैं मानता हूं कि नए जिलों का गठन एक विकास की ओर एक सहज कदम है, परंतु चुनाव से 9-10 महीने पहले क्या केवल यह एक पॉलिटिकल स्टंट है? आपकी क्या राय है इस चीज पर? देखिए, ये क्या है कि पॉलिटिकल पंडित विश्लेषण करते हैं जी। अब आप ये बताइए, जो पिछला हमारा जो 5 साल की सरकार का टेन्योर है, देश की सारी सरकारें 2.5 साल तक तो सिर्फ कोरोना का मैनेजमेंट कर रही, ऐसी भयंकर आपदा आई, आपने हमने सबने देखी। अब आप हर 5 साल में चुनाव होते हैं, कोई अगर 1 साल पहले भी करे तो कैसा, आप 1 साल पहले? अरे, जिलों का गठन की जो कमेटी है वो 9 महीने पहले गठित नहीं हुई, वो बहुत पहले आते ही उन्होंने किया, क्योंकि उनका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का थॉट है। कांग्रेस पार्टी का थॉट है कि पावर शुड नॉट बी सेंट्रलाइज, पावर का विकेंद्रीकरण हो। और जब जिले इतने बड़े बन जाते हैं कि उनको मैनेज करने के लिए, गुड गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस डालने के लिए मुश्किल होती है, तो उनको करना चाहिए। उन्होंने आते ही उसका एक आयोग है, राम लोभैया आयोग, उसका गठन किया। उस गठन की सिफारिशों के अनुसार जिलों का बाइफर्केशन किया। तो ये कहना कि साहब 9 महीने पहले किया, नहीं साहब, ये 9 महीने नहीं है, इसका थॉट उन्होंने आते ही उस पर काम किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बिलीव्स इन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हम सत्ता के विकेंद्रीकरण पे विश्वास करते हैं और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पावर का जो डायरेक्ट एक्सेस हो, कि भाई उसका कोई काम ना रुके। कोई कहते साहब 500 रुपये में सिलेंडर आपने 1 साल पहले ही दिया। अरे, 1 साल पहले नहीं दिया है, हमारा थॉट प्रोसेस था, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करके उसको हमने एग्जीक्यूट किया। कैसा 25 लाख रुपए का चिरंजीवी आपने कुछ 2-2.5 साल पहले ही दिया। अरे, थॉट प्रोसेस होता है, सरकारें बनती है उस थॉट प्रोसेस पे काम करती है, उस थॉट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती है। पर क्या? आप ये देखिए, और मैं अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप क्यों,
क्या मैं दो मिनट आपके समय लेना, मैं ये मेरा सवाल ये था कि क्या वे जिले तैयार हैं, क्योंकि बाजार में तो बड़ी तेजी से ये खबरें सर्कुलेट हो रही है कि ये एक पॉलिटिकल दावपेची है। मेरे अपोजिशन के कुछ नेताओं से भी बात हुई, उनका ये कहना है कि महज 9 से 10 महीनों में जिले का गठन होना, और जहां राजस्थान के इतिहास को भी आप देख लें, हर 5 वर्षों में सरकारें बदलती आई है, तो क्या क्या आपकी पार्टी को इससे पॉलिटिकल फायदा कुछ मिले? देखिए, बीजेपी के पास राजस्थान में ना तो नेता है, ना नीति है, ना नियत। दे आर लीडरलेस, पॉलिसीलेस, एंड आई कैन से दे डोंट हैव एनी नियत। तो वो इस तरह के बातें करती रहती। कोरोना के दौरान भी खूब हल्ला हुआ, मैंने तो कहा नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा राजस्थान इज ए मॉडल स्टेट फॉर कोरोना मैनेजमेंट। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार के लिए बोला कि गुजरात गवर्नमेंट इज लाइक ए सिंकिंग शिप ऑफ टाइटेनिक। मैंने नहीं बोला, जब कोरोना चल रहा था। और आपने देखा होगा राजस्थान में कई मॉडल बने, उदयपुर मॉडल, भीलवाड़ा मॉडल ऑफ कोरोना मैनेजमेंट, ये सारे मॉडल बने, देश ने देखा। हम चीजों से अशोक गहलोत जी की प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं, मैंने नहीं की, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना के लिए आप इनकी जैसे मैनेजमेंट देखो। तो ये बीजेपी के स्टेटमेंट्स आई डोंट हैव वेरी सीरियस, मैं उनको बहुत सीरियसली लेता नहीं। पर आप मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कौन स्टेटमेंट दे रहा है? मैं आपसे पूछता हूँ, उनका लीडर कौन है इस कैंपेन का? जो आगामी चुनाव जा रहा है उसमें लीडर कौन है? हु इज द लीडर? आप बेहतर बता, आप इस आपके लीडर को बताएं। मैं तो बताया कि साहब हमारा जो कैंपेन है, हमारे लीडर्स हैं। तो आपकी विधायक सीट के लिए प्रबल दावेदार या लीडर किसे हम देखते हैं राजस्थान इलेक्शन के लिए? विधानसभा की सीट के लिए हम किसे एक प्रत्यक्ष प्रबल दावेदार गिनते हैं? नहीं, कौन सी सीट के लिए? विधानसभा के चुनाव के लिए। अब आपको बताता हूँ, कांग्रेस की प्रक्रिया बताता हूँ। कांग्रेस में कोई व्यक्ति अपने आप को ये कहते मैं चुनाव लड़ूंगा, नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। हमारा एक सेट प्रोसेस है, बीजेपी का भी होगा, मुझे नहीं पता। देखिए, मैं एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स नहीं करता हूँ, पर मेरा ये मानना है, मैंने तो बहुत से राजनेताओं को देखा है कि हमें कुर्सी का मोह नहीं है, और उन्हीं राजनेताओं को इलेक्शन के बाद में उस कुर्सी के लिए बगावत करते भी देखा है। तो ये महज ये कहना कि संगठन सर्वोपरि है, ये बात से मैं बिल्कुल ताल्लुकात रखता हूँ कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए संगठन को ऊपर रखना ही पड़ेगा। पर जैसे आपने ही बात छेड़ी कि संगठन का एक लीडर कौन है, तो मैं नहीं जानता बीजेपी का कौन लीडर है, या आप शायद बेहतर बता पाए आपकी पार्टी का लीडर कौन है। ये आप, अरे भाई, पूरा आपके सामने है, मेरे क्या पिछले 4.5 साल से कौन मुख्यमंत्री? तो क्या सचिन पायलट जी को अभी? अरे ये आप फिर आप ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन नहीं है, दैट व्हेन एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल बीसीडी इट मींस एंगल बीसीडी इज इक्वल टू ईएफजी, दैट इज नॉट ए मैथमेटिकल फॉर्मूला। कलेक्टिव लीडरशिप में हम काम करते हैं। हमारे 4 साल 9 महीने से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। उनकी नीतियां आज ऐसी है कि देश के हर राज्य उसको रिप्लिकेट कर रहे। देश को ओपीएस की राह किसने दिखाई? हु इज द फादर ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम? देश को अर्बन नरेगा की राह किसने दिखाई? मैं कहता हूँ मोदी जी ट्यूशन लीजिए इनसे, शाम को ट्यूशन लीजिए कि गुड गवर्नेंस कैसे चलानी है। ओपीएस, अर्बन नरेगा, बिकॉज मैसिव अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो नरेगा का फायदा रूरल सेक्टर के लोगों को नहीं, को ही क्यों मिले, अर्बन सेक्टर को भी मिले। तो उसी तरह 500 में सिलेंडर, इट इज नॉट ए स्मॉल स्टेप। 500 में सिलेंडर किसको फायदा होता है पता है आपको? सबसे ज्यादा होता है प्रदेश की महिलाओं कि भाई उनको प्रेशर नहीं रहता कि गैस खत्म हो गई तो मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं सिलेंडर रिप्लेस कैसे करूंगी। वो वापिस फिर कन्वेंशनल कुकिंग पे जो लकड़ी, कोयला या जो नॉर्मल जो पहले के वेस्ट थे उस पे चले जाते। आप 500 में सिलेंडर देके एक बहुत बड़ा काम कर रहे, आप महिलाओं को सशक्त कर रहे। फिर 100 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्री इज नॉट ए स्मॉल स्टेप। 8,400 रुपी इज द ईयरली इम्पैक्ट, 8,400 रुपया उसका ईयरली इम्पैक्ट आता है। आप 100 यूनिट देते हो तो 700 रुपया महीना,
8,400 रुपया प्रति वर्ष। नहीं, चूंकि आपने ये बात उठाई और मैं बहुत तारीफ करता हूँ और आपकी काबिलियत की कि अर्थशास्त्र में आपको इतना ज्ञान है, पर मैं आपसे एक ये सवाल भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक रॉबर्ट ग्रीन की एक बहुत अच्छी किताब है 48 रूल्स ऑफ पावर, उसका एक रूल है डिस्पाइज द फ्री लंच, एनीथिंग दैट कम्स फॉर फ्री। मैं सवाल पूरा करना चाहूंगा, मेरा ये कहना है कि जब सरकारें, ये ना महज केवल आपके सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये पूछ रहा हूँ, बट मेरा ये कहना है जब सरकार अपने इलेक्शन के कैंपेन के द्वारा कुछ चीजें मुफ्त में देती है, तो क्या यह केवल वोटों की राजनीति को प्रभावित करने का तर्क है, या क्योंकि आप एक चार्टेड अकाउंटेंट भी रहे हैं, क्या ये केवल एक वर्ग को राहत देने के लिए दूसरे वर्ग के ऊपर एक भार भी जोड़ता है? उसका कारण ये कि जैसे आपने बताया कि राजस्थान की जो बिजली विद्युत निगम है उसने 100 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, एंड एट द सेम टाइम उन्होंने उद्योगों के ऊपर जिस घाटे में राजस्थान विद्युत बोर्ड है उसको वसूलने के लिए स्पेशल फ्यूल चार्ज जोड़ा है, जिसका हाई कोर्ट में राजस्थान के उदयपुर के बहुत से उद्यमियों ने हाई कोर्ट में एक पेटिशन भी लगाया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? फ्यूल जो सरचार्ज है जिसकी आप बात कर रहे हो वो कई जगह से तो हट चुका है ऑलरेडी, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको हटाया। और दूसरी बात जो आपने फ्री लंच की बात की, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हैंड होल्डिंग सरकार नहीं करेगी लोगों का तो कौन करेगा? मैं मेरे को कंप्लीट कर लू, और हर गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटी, मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 9 साल में 12.5 लाख करोड़, आई रिपीट 12.5 लाख करोड़, 12.5 ट्रिलियन कहते हैं जी, 12.5 ट्रिलियन रुपया है कॉरपोरेट्स के जो लोन थे उसको बट्टे खाते में डाले। इसमें क्यों देश में किसी ने नहीं पूछा कि साहब ये फ्री लंच कैसे दे दिया आपने? किसका पैसा था? आपका पैसा था, मेरा पैसा था, हर उस व्यक्ति का पैसा था जो अपनी गाड़ी में डीजल भरवाता है, पेट्रोल भरवाता है, आटा खरीदता है क्योंकि आटे पे भी जीएसटी है, दही का पैकेट खरीदता है दही पे भी जीएसटी है, हर उस व्यक्ति का मध्यम आय वर्गीय परिवार का पैसा था जो समय पर अपना आयकर भरता है, हर उस व्यक्ति का पैसा था जो समय पर एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी देता है, अपने 12.5 लाख करोड़ रुपए वहां दे दिए। हमने, हमारी प्रायोरिटी दूसरी, हम इंक्लूसिविटी में विश्वास करते हैं। तो मेरा सवाल तो वहां मेरा एक जी इंक्लूसिविटी में हम विश्वास करते हैं, हम ये नहीं चाहते कि विकास की यात्रा में फायदा सिर्फ आपको मिले और मैं पीछे छूट जाऊं, नहीं, देश नहीं बढ़ सकता, आप बढ़ सकते हो पर जब तक हम सब नहीं बढ़ेंगे हमारा देश नहीं बढ़ेगा। तो जो मान लो भयंकर बेरोजगारी मोदी जी के जो 2 निर्णय आए उसने पूरी देश की इकोनॉमी की नींव तोड़, एक तो कभी पिंक नोट चालू करो, कभी पिंक नोट बंद करो, कभी 1,000 को बंद करो, कभी 500 का नया लाओ, व्हाट इज दिस? आप मेरे को बताओ, मैं तो थोड़ा बहुत समझता हूँ, मोदी जी से तो कम ही ज्ञान है मुझे इकोनॉमिक्स का, क्योंकि वो तो दुनिया में सब ज्ञान, चंद्रयान भी उन्हीं का है ज्ञान से, वो ही बनाते हैं सैटेलाइट है, उनको फिजिक्स का भी ज्ञान है, केमिस्ट्री का भी है, मैथमेटिक्स, क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर में ये एक्स्ट्रा 2ab कहाँ से आया, तो वो बड़े मैथमेटिशियन है, पर मेरे टीचर्स ने मुझे वो नहीं पढ़ा, वो गटर से गैस निकाल के चूल्हा जला देते हैं, तो मेरे केमिस्ट्री के टीचर ने मुझे ये नहीं बताया, वो ये कह देते हैं कि तक्षशिला बिहार में है, तो मेरे को नहीं पढ़ाया हिस्ट्री के टीचर ने, अब मैं तो मेरे हिस्ट्री और फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर पे, जब वो ये कह देते हैं कि रेडार के अंदर से बादल में अगर एयरप्लेन छुप जाता है तो रेडार में नहीं आता है, तो मेरे फिजिक्स के टीचर ने तो मुझे ये नहीं पढ़ाया, उन्होंने कहा बादलों के अंदर भी वेव्स जा सकती, पर उनका ज्ञान होगा, मैं उन पर क्योंकि ही इज अ मास्टर ऑफ एंटायर पॉलिटिकल साइंस, तो मैं उन पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, पर देश के इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी जिसको हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो हर बाहर जो अपने बाहर जो ठेला लगा के गोलगप्पे बेच रहा है, ठेला लगा के भेलपुड़ी बेच रहा है, ठेला लगा के कपड़े बेच रहा है, वो अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी खत्म कर दिया आपने,
दो रीजन से, एक तो मैंने बताया ये नोटों का उनका क्या पता क्या इश्यू है, आज रात 12 बजे से मोदी जी 8 बजे आते हैं, देश के लोग घबरा जाते हैं कि आज पता नहीं 12 बजे से क्या हो जाए, वो 12 बजे का कुछ बोलते हैं और देश की इकोनॉमी की 12 बज जाती है। और दूसरा बिना तैयारी के जीएसटी लगा, यू डजंट हैव प्रिपरेशन, वो भी रात को 12 बजे किया, आपको लगा याद होगा संसद के दरवाजे खुल गए आज रात 12 बजे से, आज 12 बजे के जो निर्णय है ना मोदी जी के रात के 12 बजे के, और मैं तो हिंदू धर्म का मैं विश्वास करता हूँ, रात के निर्णय हमेशा गलत ही होते हैं, हमेशा मैं तो कहता हूँ बीजेपी वालों को और मोदी जी को भी कि सुबह सूर्य को अर्घ दे के निर्णय किया करो, ये रात को 12 बजे वाले निर्णयों ने देश की 12 बजा दी, तो इनके कारण क्या हुआ, इकोनॉमी हो गई एकदम खत्म, एक हंसती खेलती खिलखिलाती इकोनॉमी को मोदी जी ने किया नष्ट अपने दोनों निर्णय से, और तीसरा बिना सोचे समझे तालाबंदी, तो नोटबंदी से तालाबंदी के निर्णयों में उद्योगों में लग गए ताले, बीच में बिना तैयारी के जीएसटी भी है, तो जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं, लोगों के पास कंजम्पशन के लिए पैसा नहीं, लोगों के पास मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि जो पॉवर्टी है पिछले 7-8 साल में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 21 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला, पिछले 8-9 साल में 23 करोड़ वापिस वो पॉवर्टी में चले गए, तो जब लोगों के पास पैसा नहीं कंजम्पशन नहीं, आप उनको अगर कुछ सहूलियत दे देते हो तो फ्री 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 फ्री, अरे वो 12.5 लाख करोड़ में फ्री किसी को याद नहीं आया जो उनके लोन को बट्टे खाते में डाला गया, इन हम जैसे मध्यम आय वर्गीय परिवारों को कुछ फायदा मिल जाए, निम्न आय वर्गीय परिवारों को कुछ फायदा मिल जाए, तो सारा आपको इकोनॉमी अर्थशास्त्र का ज्ञान याद आ जाता है। एवरी गवर्नमेंट हैड इट्स प्रायोरिटी, हर सरकार की अपनी प्राथमिकता होती है और उस प्राथमिकता के अनुसार स्पेंडिंग सरकार करती है। हमारी प्राथमिकता राजस्थान की महिलाएं हैं, 54 लाख जो बीपीएल परिवार है, हमारी प्राथमिकता उनको 500 रुपए में सिलेंडर देना है, हमारी प्राथमिकता हर राजस्थान वासी को बेस्ट इलाज करवाना है, और आप इसका एक उदाहरण देखिए, राजस्थान के कोई अस्पताल में जाके देखिए आपको दूसरे राज्यों से लोग इलाज कराने आते हैं, एमआरआई सीटी स्कैन फ्री और लाइन में नहीं लगना है, आज सुबह आओ शाम तक सीटी स्कैन की एमआरआई की रिपोर्ट लेके जाओ, ये छोटे कदम नहीं है, ये उन लोगों के लिए इतने बड़े कदम है जिन लोगों का स्वर्गवास हो जाता था बिना इलाज के, क्योंकि आपके पास फंड नहीं है। अर्बन नरेगा है, कर्मचारियों से पूछो ओपीएस के बारे में, ये छोटे कदम नहीं है। तो हमारी प्रायोरिटी, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी प्रायोरिटीज ये है, दूसरे लोगों के बारे में मैं टिप्पणी करता नहीं, पर उनकी प्रायोरिटी 12.5 लाख करोड़ रुपए के कॉरपोरेट के लोन बट्टे खाते में डालना है, तो वो अपनी प्रायोरिटी पे काम कर रहे हैं, हम हमारी प्रायोरिटी पे काम कर रहे हैं। नहीं, बात सही है, हर व्यक्ति का एक दृष्टिकोण और एक पार्टी का एक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। मेरा यह भी मानना है कि क्योंकि आप फिगर्स में और फिगर्स वो या कोई नंबर्स हैं उसमें आपका बहुत ध्यान है, तो उदयपुर क्षेत्र के उदयपुर की तरह जो टीयर 3 सिटीज है उनका राष्ट्र की ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, और गोइंग फॉरवर्ड आप उदयपुर के उद्योगों या उदयपुर से किस प्रकार का आप एक राष्ट्र की ग्रोथ में किस तरह का सहयोग आप देखते हैं, और किस तरीके से जैसे कि आपने आपकी प्राथमिकता यह बताई कि बीपीएल परिवारों को एक जिला लगाना, उनको उनके थोड़ा सा जिला लगाना है, उसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि उद्योगों के प्रति आपका क्या रुख है। देखिए, उदयपुर की इकोनॉमी के 2 पिलर्स, टूरिज्म माइनिंग, ये 2 पिलर्स है, शहर की पूरी अर्थव्यवस्था इन 2 पिलर्स पर चलती है। मैंने आपको टूरिज्म पे तो बहुत बात करी, वेनिस का उदाहरण दिया कि 2.5 लाख की आबादी वाला वेनिस, 2,58,051 है उसकी एग्जैक्ट आर 2020, 2,58,051 एग्जैक्ट पॉपुलेशन ऑफ वेनिस एज पर ईयर 2021, और 4.58 लाख, 4.5 लाख से कुछ ज्यादा, 2.5 लाख से पॉपुलेशन पर 4.5 लाख से कुछ ज्यादा प्रति माह टूरिस्ट का फुटफॉल है।
छह लाख की पॉपुलेशन पर हमारा फुटफॉल है, 1,94,000 हुआ तो बोला रिकॉर्ड टूट गया। एक तो इस पे काम करना है जी, और मैंने आपको इसमें जब इस पे काम करना है तो ध्यान दें हमारी झीलों के सौंदर्यकरण पे अगर 1% भी उस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो उदयपुर के लोग हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर सकते जी। आज हम देखते हैं कई जैसे सैटरडे संडे को टूरिस्ट फुटफॉल होता है, आपको भी पता है, पड़ोसी राज्य से होता है, अच्छी बात वी आर वेलकमिंग है, पर झीलों को जिस तरह से वो मैंने देखा कि जिस तरह से कई बार झीलों के अंदर वो उसको मिस यूटिलाइज कर देते हैं, ना उनकी वो इमोशनल कनेक्ट है जो आपका मेरा इस शहर के 6 लाख लोगों का है, वो इमोशनल कनेक्ट नहीं। उस आयड नदी के और आकर्षक बनाने का प्लान हो, उदय सागर के सौंदर्यीकरण का प्लान हो, फतेह सागर को हाउ टू डेवलप दिस एट द नेक्स्ट लेवल, ये सब कैसे होगा जब तक आप सीवरेज ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं बनाओगे, होगा नहीं। तो ये मेरे पास पूरा माइक्रो प्लान है। मैं तो चाहूंगा एक दिन अपन सिर्फ झीलों के बारे में आधा घंटा बात करें। आई एम सो फजी अबाउट दिस, मेरे को इतना इमोशनल कनेक्ट। पहाड़ है दूसरे अरावली की पूरी रेंजेस, ध्यान रखें ये पहाड़ क्या है, एक झीले हमको दे रही है टूरिज्म, पहाड़ दे रहे हैं क्या मिनरल्स, खनिज संपदा। खनिज संपदा में एक ही लाइन है बस उसका ध्यान रखना, माइनिंग शुड बी फॉर ह्यूमैनिटी, माइनिंग मानवता के लिए होनी चाहिए। ह्यूमैनिटी में जब हम कहते हैं तो रेस्पॉन्सिबल माइनिंग आ जाती है, माइनिंग किस तरह प्रोसेस ओरिएंटेड करनी चाहिए, जो मिनरल्स किस तरह हम और ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास ईश्वर ने वरदान दिया है इस मिट्टी को, कि यहाँ पर दुनिया के ज्यादातर मिनरल्स है इस मिट्टी के अंदर जी, बिल्कुल। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए, और दूसरा पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए, एक हमारा माइंड सेट है कि जो छोटे माइनर्स जी वो उनके अगेंस्ट ज्यादातर पॉलिसी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 1.1 रुपी पर स्क्वायर फीट जो वैट लगता था मार्बल पर बिफोर जीएसटी, बिल्कुल आज 18% वैट है। क्यों भाई, आप चाहते हो कि सारे छोटे माइनर्स खत्म हो जाए, क्यों? आप उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो कि भाई, और मोस्ट ऑफ देम आर रेस्पॉन्सिबल, दे लव देयर मदर नेचर। आप उनको ह्यूमैनिटी टच दे सकते हो कि माइनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका हमेशा ह्यूमैनिटी का पर्सपेक्टिव रहना चाहिए, कि माइन से लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े, लोगों का जीवन पे नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। तो ये दो उद्योग है, मैं तो चाहूंगा एक दिन अपन बैठे, एक घंटा आप मुझे माइनिंग पे दो कि सर आपके माइनिंग पे क्या है, तो मैं आपको जिंक ओर पे जो स्टोन है, जो रॉक फॉस्फेट है, इन पे सब पे मैं आई हैड माय डिटेलिंग ऑन दिस। और एक दिन टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, एजुकेशन टूरिज्म, बहुत लोगों ने यहाँ काम करके एजुकेशन हब बनाया, पर ध्यान रहे अब वो जमाना गया कि मैं बीए कर रहा हूं और मुझे नौकरी मिल जाएगी, या मैं बीकॉम कर रहा हूं मुझे नौकरी मिल जाएगी, हमें इसको हब बनाना है एआई, एमएल और एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा एनालिटिक्स। अपार संभावना है, अपार, यू कांट इमेजिन व्हाट इज द स्कोप। तो ये सारी चीजें हैं मेरे दिमाग। तो एक पिलर तो है इकोनॉमी का माइनिंग, मेरा एक ही वाक्य है, सूत्र है माइनिंग का, माइनिंग शुड बी फॉर मैन। दूसरा पिलर है टूरिज्म, मेरा एक ही वाक्य है, वी शुड कम्पीट विद वेनिस। हम वेनिस से कम नहीं है, मैं दोनों जगह वेनिस तो गया हूं और उदयपुर में रहता हूं जी। आपको मैं फिर पुनः दोहराता हूं, वेनिस उदयपुर से कम आकर्षक है, तो उस फुटफॉल हमें कंपेयर करना है वेनिस से जी। बिल्कुल, इस बात से मैं भी तालुकात रखता हूँ, मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ वेनिस जाने का भी, और उदयपुर में रहने का तो सौभाग्य है ही है।
पर मैं एक एक बिंदु पर, जैसा कि हमारी टीम ने हमें रिसर्च करके बताया, आपने जब ये कहा कि भाई फ्यूल सरचार्ज माफ कर दिया जाए, जा चुका है, मैं उस पॉइंट पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छी चीजें कही है उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, माइनिंग टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए। जो सरकार ने फ्यूल सरचार्ज की माफी दी है, वह सरकार ने दी है हाउस होल्ड कनेक्शंस के लिए, इंडस्ट्रियल कनेक्शंस के लिए, जो कि अभी भी जूझ रहे हैं, जो नजदीकी पड़ोसी स्टेट्स हैं उनके साथ में राजस्थान कंपीट कर रहा है फॉर द कॉस्ट ऑफ पावर, वहां पर अभी भी स्पेशल फ्यूल सरचार्ज दिया जा रहा है। आई कैन एश्योर यू, आपने जो बोला 100% सही है, गलत नहीं जी। तो मैंने कहा पहला स्टेप हो चुका है और सेकेंड स्टेप की ओर हम सकारात्मक रूप से सोच। तो क्या ये हम मान के चल सके कि जैसा ऑपोजिशन के कुछ लीडर्स कुछ घोषणाएं हैं वो सरकार के लोग ही करें तो वो ठीक रहता है? I am not directly the minister or chief minister. This is purely a prerogative of the honorable chief minister of the state and the respective minister. But I can tell you, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कुछ घोषणाएं मुख्यमंत्री और मंत्री करें वही अच्छा है, और मैं आपको ये पूरी जिम्मेवारी से बता रहा हूँ वो इसकी और सकारात्मक रूप से सोच रहे हैं, और बहुत जल्द कुछ ऐसी खबरें आएंगी जिससे ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व। तो क्या हम ये कयास लगा सकते हैं कि उद्योगों के ऊपर जो एक स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के रूप में पैसा लिया जा रहा है, हम ये मानते हैं कि सरकार की एक जिम्मेदारी है कि वो कुछ जो बिलो द पॉवर्टी लाइन संभाग है उसे ऊपर ले जाने की भी एक पूरे सरकार की जवाबदारी होती है, पर एट द सेम टाइम सरकार इसकी ओर भी नजर गड़ी बैठी है कि उद्योगों के ऊपर एक राहत दी जाए। ये गवर्नमेंट कैसे काम करती, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। अभी 5-4 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब ऑनलाइन लोगों से बात कर रहे थे वर्चुअल में जी। उदयपुर की मीरा गर्ल्स कॉलेज की एक बच्ची ने कहा कि मैं यहाँ से ग्रेजुएट कर रही हूँ, मेरे को पीजी भी करना है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं उदयपुर मेरे कॉलेज से ही पीजी करूँ। देन एंड देयर उसी समय मुख्यमंत्री जी ने मीरा गर्ल्स कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बॉटनी, जूलॉजी में MSc स्वीकृत कर। तो फास्ट डिस्पोजल है, और इस जो आपने इश्यू बताया इसका भी डिस्पोजल माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी इसको सकारात्मक रूप से रिजॉल्व करें। बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा, उसी दरमियान मेहमान नवाजी के तहत आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? चाय। वी लिव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हालांकि मैं आपके जवाब देता हूँ, मोदी जी मेरे देते नहीं। सही है, पर ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, और एक ऑपोजिशन जिसकी एक स्पाइन हो। काफी समय बाद हमें एक ऐसा वक्ता मिला है कांग्रेस पार्टी से जो कि एक स्पाइन रिप्रेजेंट करता है, और ये काबिले तारीफ है कि एक पॉइंट को प्रेजेंट करना। आज मैंने कई बार आपको ये सुनते हुए देखा है, जो सरकार घोषणाएं करती है आप महज उनको एक जुमरे, या मैं वो शब्द भूल गया, जुमले चिपकाना। मैं कभी भी किसी की क्रिटिसिज्म उसके पर्सनल पे नहीं करता हूँ ना जी, जी। मैं सिर्फ पॉलिसीज पे बात करता जी। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि फलाना को पाकिस्तान भेज दो जी, क्यों भाई क्यों भेज दो, आपसे उसका मन नहीं मिलता तो आप पाकिस्तान भेज जाओ। मनभेद है। हाँ, मनभेद नहीं है, मतभेद है। हाँ, तो मेरा कोई इश्यू नहीं है। मैं तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में मुझे भी राइट है, आपको भी राइट है। हो सकता है आपको मेरा एक जवाब अच्छा ना लगा जी, पर हो सकता है आपको मेरे बाकी जवाब बहुत अच्छे लगे। तो इट इज नॉट डिक्टेटरशिप, वी आर इन ए फ्री कंट्री। ये चर्चा भी काफी अच्छी चर्चा जा रही थी, जैसे आपने बताया कि आप सरकार के कुछ चीजों का क्रिटिसिज्म करते हैं, पॉलिसीज का जी, बिल्कुल पॉलिसीज का, और वो एक माध्यम बनती है सरकार के द्वारा। तो इनएविटेबली आप माने या ना माने, वो एक सरकार जो पॉलिसीज लाती है उनका भी एक क्रिटिसिज्म है, एक इफेक्टिव क्रिटिसिज्म है, ताकि बेहतरी के लिए काम कर सके। तो ऐसे कोई 2-3 जो बड़े मुद्दे जो आप उदयपुर शहर के लिए देखते हैं कि जहां पर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, जहां पर सरकारों का ध्यान जाना चाहिए, और जहां एक उदयपुर वासी के
जहन में या उदयपुर वासी के मद्देनजर रखते हुए एक लाइट केंद्रित करी जानी चाहिए, तो कुछ दो तीन विषय पर आप अगर पॉइंट नंबर वन, मैं तो आई एम प्रिपेयर्ड विद माय थ्री पॉइंट्स। पॉइंट नंबर वन कि टूरिज्म हमें बढ़ाना है जी, पर रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, द टूरिज्म विच डजंट हैव एनी जीरो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। हम ऐसा पर्यटन बढ़ाना चाहते हैं जिसका पर्यावरण पर 0% नकारात्मक प्रभाव जी। तो मैंने उसमें आपको जिलों का बताया, जिलों के ब्यूटिफिकेशन का बताया, सीवरेज ट्रीटमेंट्स के बारे में अपन ने डिटेल जी। दूसरा, आप यहाँ सड़क पे चल के देखो, और अगर शनिवार इतवार के दिन चलिए, आपको सुखाया सर्किल से अगर हिरन मगरी सेक्टर 4 भी जाना जी, तो आपको 25 मिनट का समय जी। क्यों? ट्रैफिक व्यवस्था, क्योंकि आपने कुछ एलिवेटेड रोड्स है, आपका कोई व्यू ही नहीं था। मैं किसी व्यक्ति का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, ना करूंगा जी, पर कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं है आपका। आप वर्ल्ड की सबसे सुंदर शहर ये वासी हो, ये सर हर व्यक्ति का प्राउड है, पर आपकी सोच ही नहीं। क्यों? आप ट्रैफिक का हाल देखो, जहां तहां, और स्पेशली मैं सैटरडे संडे कह रहा हूं क्योंकि फुटबॉल जबरदस्त रहता है। आप जहां अपन बैठे हैं इस रोड से सुखाड़िया सर्किल, जहां अपन बैठे हैं या इस रोड जहां से सुखाड़िया सर्किल, मेरे ख्याल से 200 मीटर से ज्यादा नहीं होगा या 150 ही होगा, पर आप उस दिन शनिवार इतवार को कार से 5 मिनट से पहले नहीं पहुंच सकते, 150 मीटर, तो वो एक बड़ी समस्या है। और तीसरा, बारिश में जो रोडों की हालत, मतलब मैं आई एम नॉट एग्जाजरेटिंग, पर रोड्स पर जो मैनेजमेंट है, मतलब आप नाव चला सकते हो इतने घंटे और इतना पानी भरा हुआ, तो दीज आर थ्री इंस्टेंट प्रायोरिटीज। नहीं, अक्सर ये कहा भी जाता है उदयपुर जिलों की नगरी के साथ साथ आप मॉनसून में देखिए तो यह गड्ढों की भी नगरी है, ये जनता भी ये महसूस करती है। कल देश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने, पंडित नेहरू के विजन ने, विक्रम साराभाई, यूआर राव, कस्तूरी रंगन साहब की मेहनत ने, कि हम चंद्रयान पे हमारा जो रॉकेट है वो पहुंचा, और जो तस्वीरें आई वो एक हर व्यक्ति को, हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो, जबरदस्त चीज है जी। मेरा, आपका, हर व्यक्ति का हो जी। हम सब ने वैज्ञानिकों को सैल्यूट किया जी। उनकी उनकी पसीने को, उनके मेहनत को सैल्यूट किया, पर ऑन द फनी साइड जो वो तस्वीरें हैं, अगर आप उदयपुर की रोड की तस्वीरें ले हो, तो वो भी ऐसी ही लगती है, वहां पे जैसे चंद्रमा पर जितने खड्डे ऐसे लग रहे हैं जी, वो रोड को आप नीचे से कैमरे से तस्वीर ले हो, तो वो भी वैसी ही दिखेगी। यानी हम ये आशा करते हैं कि हम बहुत गर्व लेते हैं कि हम उदयपुर के वासी हैं, और आशा करते हैं कि जो वर्तमान में भी सरकार है और आने वाली सरकारें हैं वो उदयपुर के सौंदर्यीकरण पर एक सुपुर्द निर्णय हमेशा ले कि वो जिलों की नगरी से अलावा जी, इट इज नॉट, देयर इज अ लोकल गवर्नमेंट आल्सो जी। देश में जो पद्धतियां हैं उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस भी कई काम उनके हैं। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि जब मेरे शहर में 6 लाख की पॉपुलेशन पर महीने में 6 लाख टूरिस्ट आए जी, तो कहीं पर भी जी, मैं एक जगह का नहीं बोल रहा, कहीं पर भी कचरे का इतना सा भी ढेर मिलता है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता जी। मैं आज रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहा, ना ये कह रहा हूँ इन्होंने गलत किया इन्होंने सही किया जी। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि हम सबको मिलके क्या करना है। हम सबको मिलकर ये अश्योर करना है कि अगर रोड पे 200 ग्राम भी एक जगह कचरा इकट्ठा है जी, तो समग्र रूप से हमको वो नहीं रखना। अगर हमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाने में 40-50 मिनट लगते हैं ट्रैफिक के कारण, तो वो हमको रिजॉल्व करना है। कैसे होगा उसकी ब्लूप्रिंट है, तो अपन फिर चर्चा करेंगे उस पर जी, डिटेल जी। और
सिर्फ एक्स गवर्नमेंट को दोषी आप कह दो ये है, अरे भाई फिर व्हाट म्युनिसिपैलिटी वाज डूइंग फॉर लास्ट 30 इयर्स। तो क्या मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि गत दो दशकों से जिस गढ़ में भाजपा का विधानसभा की कुर्सी पर एक कब्जा रहा है, तो आप अपनी तैयारियों को कैसे आंकलन करते हैं? मैंने तैयारी का बात नहीं, मैं तो उदयपुर के बारे में सोचता हूँ जी। मैं मेरी पर्सनल तैयारी इज नॉट रिलेवेंट जी, उदयपुर की तैयारी ही मेरी तैयारी, उदयपुर की टूरिज्म को बढ़ाने की तैयारी, उदयपुर में माइनिंग को ह्यूमैनिटी टच देने की तैयारी, उदयपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की तैयारी, उदयपुर के ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को इम्प्रूव करने की तैयारी। क्यों यहाँ पर हमने ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, कौन जिम्मेवार है? आप ऐसे नहीं कह सकते कि सब एक्स गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ये यहाँ पर कई लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, फलाना मेयर बने हुए, फलाना एक्स मेयर बने हुए, फलाना डिप्टी मेयर बने हुए, आर दे नॉट रेस्पॉन्सिबल? अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं तो भी बोल रहा हूँ कि हम सब रेस्पॉन्सिबल है, पर वो सत्ता में बैठे हुए भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। सड़कें कौन बनाएगा, ये फुटहोल्स कौन फिल करेगा? बट दे डोंट हैव दैट प्रायोरिटी, ना उनका विजन है, ना उनकी सोच है, ना उनको ये पता होगा कि वेनिस में ये है और उदयपुर में ये है, उनको पता ही नहीं ये बात। तो इतनी पढ़ा लिखी क्राउड है, जनता है, उदयपुर की लिटरेसी रेट राजस्थान के कई शहरों से, कई कस्बों से बहुत बेटर है, तो दे डिजर्व ए बेटर रिप्रेजेंटेशन, दैट्स व्हाट आई कैन से। साथ ही साथ मैं आपसे, क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स नहीं करते, ना ही हमारा ये इशू के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक लेवरेज देना है, हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है कि नव युवक युवतियां जो आगामी इलेक्शंस हैं उसमें बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, अपना वोट कास्ट करें, ताकि एक जिम्मेदार व्यक्ति उस पद के लिए उन्नत किया जाए। तो एक अपील जो आप हमारे माध्यम से, हमारे इस शो चुनावी टपरी और उदयपुर ब्लॉक के माध्यम से जो देना चाहें, इससे पहले कि हम रैपिड फायर पर जाएं, आप क्या देना चाहेंगे? वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर योर फ्यूचर, वोट फॉर योर एम्प्लॉयमेंट, वोट फॉर योर प्रॉस्पेरिटी, वोट फॉर योर सिटी, अपने शहर, अपने विकास, अपने प्रॉस्पेरिटी, इनके लिए वोट कीजिए। जो व्यक्ति आपको लगे कि जिसमें सामर्थ्य है शहर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का, भले ही वो एजुकेशन हब के रूप में हो, भले ही वो टूरिज्म का जो मैंने पर्सपेक्टिव रखा, भले ही वो माइनिंग का जो पर्सपेक्टिव रखा, भले ही वो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो पर्सपेक्टिव रखा, उन मुद्दों पर, और युवा हमारे देश के बहुत जानकार और समझदार, उनको पता है क्या उनके लिए सही और क्या। तो वे सभी लोग जो हमारे इस शो को देख रहे हैं, आप सभी से दरख्वास्त है कि पॉलिटिकल मुद्दों पर जानकारी रखें, इस नगर उदयपुर नगर के लिए आप अपने वोट को कास्ट करने के लिए एवं जिम्मेदार बनने के लिए आगे बढ़ें, राजनीति में भाग लें। क्योंकि बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा और काफी दिलचस्प पर्सनैलिटी आज हमारे साथ मौजूद है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑफ द शो जो कि है रैपिड फायर। सबसे पहला सवाल, राजस्थान में किसकी सरकार आएगी? कोई डाउट ही नहीं है उसमें, देर विल बी द कांग्रेस गवर्नमेंट विच इज गोइंग टू टेक ओवर। कांग्रेस सरकार 2023 में राजस्थान में दिसंबर में शपथ लेने वाली। दूसरा सवाल, विधानसभा में कितनी सीटें आएंगी? देखिए मैं ये झूठी बातें, क्योंकि मैं जब तक मेरे पास डाटा नहीं हो मैं इस तरह के पर्सपेक्टिव नहीं देता, पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो मेरी ग्राउंड लेवल की फीलिंग है, क्योंकि ये नंबर्स तो वो व्यक्ति दे सकता है जिसने हर क्षेत्र के डाटा हो उसके पास, या झूठे नंबर्स चाहिए हो तो अमित शाह साहब दे देते हैं। मेरे पास दोनों चीजें, ना तो मैं झूठ बोल सकता हूँ, ना मेरे पास हर विधानसभा का डाटा है, पर जो स्मेल इन द एयर जिसको कहते हैं, हवा में जो खुशबू है, वो ये कहती है कि पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर कांग्रेस की यहाँ पर सरकार। आप एक शिक्षक भी रहे हैं, तो आपका अपने जीवन में शिक्षक के रूप में रोल या राजनेता के रूप में रोल, आप क्या प्रेफर करते हैं? देखिए शिक्षक इज ऑलवेज ए शिक्षक जी, वंस यू आर ए टीचर यू आर ऑलवेज ए टीचर। माय फादर, मेरे पिताजी माताजी दोनों के शिक्षक थे, मैं शिक्षक,
मेरी पत्नी भी शिक्षक जी, तो वो तो मतलब दीज आर टू डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, बट टीचर इज ऑलवेज ए टीचर एंड आई एम प्राउड, मुझे गर्व है जी कि मैं 32 इयर्स की एज में फुल प्रोफेसर बना जी, विच इज एन अचीवमेंट, आई थिंक एक यंगेस्ट एज है, करेक्ट जी, करेक्ट, मुझे गर्व है इस बात पर और अपनी मेहनत से बना, मेरे टीचर्स के जो गाइडेंस है उसके कारण था, और सारे टीचर्स को मैं इसके लिए हमेशा सुबह उठते ही प्रणाम करता हूँ, फॉर मी माई टीचर्स आर मोर देन एनीवन इन द वर्ल्ड, तो शिक्षक तो शिक्षक ही रहता है, पॉलिटिकल बात ऐसा है वो कभी और अपन चर्चा करेंगे क्योंकि वो लंबा उत्तर है, वो सवाल ये होना चाहिए कि आप पॉलिटिक्स में कैसे आए, तो वो एक लंबा इश्यू है जी, आज अभी अपना रैपिड फायर में वो सेट नहीं हो पाएगा, आई रिक्वायर 10 मिनट्स टाइम जी, बिल्कुल। अच्छा तो ये बताएं, दाल बाटी या लिट्टी चोखा? देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ दाल बाटी जी, देयर इज नो कंपैरिजन, मेरे तो घर पे भी दाल बाटी रेगुलर रूप से बनती, तो देयर इज नो कंपैरिजन दाल बाटी, तो कोई ऐसा, बट लिट्टी जो बनती है वो भी बाटी का ही फॉर्म है जी, हमारे यहाँ कई तरह की बाटियां, जैसे मावा बाटी, मसाला बाटी, आम बाटी, रेगुलर बाटी, बापला, ये सब वेरियस फॉर्म्स ऑफ बाटी है जी, तो वैसे आप अगर बाटी में सत्तू भर दो तो वो लिट्टी जी, तो पिछोला या फतेह सागर, दोनों झीलों में से एक झील जो आपके दिल के करीब हो? फतेह सागर, और उसका कारण देता हूँ कि जो सीनिक व्यू मेरे को वहां मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखता है, मतलब यू विल नॉट बिलीव, कई बार मैं सुबह गया जाता हूँ तो रात के कई इश्यूज का स्ट्रेस रहता है, 10 मिनट में वहां बेंच पे बैठता हूँ, मतलब स्ट्रेस फ्री आदमी, और इतनी पॉजिटिव एनर्जी देती है वो, आपको भी मैं कहता हूँ और सारे शहर वासियों को ट्राई कीजिए, कोई भी आप अगर टेंशन में हो 5 मिनट हवा खाइए, आई गारंटी कि आपका स्ट्रेस और टेंशन फ्री हो जाए। चूंकि आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है एक परिवार के माध्यम से, मैं ये जानने में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ कि आपने जब पॉलिटिक्स में एंट्री करी तो आपका पॉलिटिकल गुरु आप अपने जहन में किसे लेकर चलते? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, बिकॉज वो भी प्रोफेसर थे जी, उनका भी व्यू था, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को बिल्कुल ऑल टुगेदर नई डायरेक्शन दी, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, पंडित नेहरू जो विजनरी, आज भी आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, पर 1962 में इसरो स्थापित करना विजनरी आदमी कर सकता है, कोई छोटा आदमी नहीं कर सकता 1962 में, जब लोग कहते थे अरे ये क्या करेंगे, वो ये करा 1962 के एस्टेब्लिशमेंट में कि आज चंद्रमा पर पहुंच गया है। आई ऑलवेज ट्राई टू वॉच देयर वीडियोस, मैं उनके वीडियोस देखता हूँ, उनके व्यूज सुनता हूँ, उनके पर्सपेक्टिव देखता हूँ, तो वो बड़े मतलब इम्प्रेसिव है, और हार्ड वर्क में देखो आपको एक चीज और बताऊ, विजन एक अलग चीज है पर एक हार्ड वर्क भी होता है, आई कैन गिव यू इन राइटिंग, मैं लिख के दे सकता हूँ, हार्ड वर्क में अशोक गहलोत से बड़ा हार्ड वर्किंग पॉलिटिशियन पूरे देश में हो ही नहीं सकता। चूंकि आपने शिक्षा के बारे में बहुत ही अच्छी बातें करी, एक कोई जब समस्या में कोई व्यक्ति फंसता है तो, और मैं ये मानता हूँ कि एक दृष्टिकोण होना बहुत महत्वपूर्ण है, तो कोई ऐसा कोट या जो जीवन में जब आप किसी संघर्ष में होते हैं या एक कश्मकश में होते हैं अपनी राजनीतिक जिंदगी में, तब आप किस कोट को फॉलो करते हैं या पॉलिटिकल मंत्रा जो प्रोफेसर गौरव वल्लभ को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, वह क्या है? एथिक्स, अपने काम में एथिक्स, एक एक एथिक्स से नीचे काम नहीं करता, एंड बी ए रोल सेटर, रोल सेट करना, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और लोग आप पे हंस रहे हैं तो इसका मतलब सही काम हुआ, डोंट गो इनटू दैट कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, नहीं हंसेंगे, तो वो एक कोट है जो मैं हमेशा यूज भी करता हूँ,
कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, समथिंग इज बेटर देन नथिंग बट नथिंग इज ऑल्सो बेटर देन नॉनसेंस, सो वी शुड नॉट एंटर इनटू नॉनसेंस। जो एक टीवी पे एड भी आता है कुछ नहीं करने के लिए थैंक यू, नॉनसेंस काम करने से अच्छा है कुछ ना करो, एंड समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और जो भी काम करो जब भी करो तो उसमें जो एथिक्स का कंपोनेंट, मॉरेलिटी का कंपोनेंट जी, उसका हमेशा ध्यान रखो जी, तो आपके काम सही है। क्योंकि एक लाइटर नोट पे मैं कहना चाहूंगा कि अलग अलग वर्गों से अगर बात करें 1+1 क्या होता है तो वो 2 कहते हैं और अमुक जवाब यही मिलता है, पर सीए के बारे में एक ही हास्यात्मक बात है या कोई व्यंग नहीं कसने की बात है, पर अक्सर ये कहा जाता है कि 1+1 सीए से अगर पूछा जाए तो वो कहता है आप कितना चाहेंगे मुझे बनाना। तो इस दौर में मैं आपसे जो चार्टेड अकाउंटेंट की परीक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उन सीए के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? एथिक्स जी, जी, योर एंटायर डिसीजन, जीवन का हर निर्णय मॉरेलिटी और एथिक्स के पैमाने पर सही होना चाहिए। आखिरी सवाल, उदयपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में अगर 10 में से मूल्यांकन करना हो तो आप कितने नंबर देंगे? देखिए मैं अभी मूल्यांकन करूं आप कहेंगे साहब ये आपने क्यों मूल्यांकन किया, पर मैं कह रहा हूं कि माइल्स एंड माइल्स टू गो बिफोर आई सी, ये मेरा उत्तर है। बहुत लंबा सफर करना है, ये जो क्रोनोलॉजी में नहीं पढ़ना है स्मार्ट सिटी और नॉट स्मार्ट सिटी। मैंने तो आपको 2 पिलर्स बता दिए उदयपुर, टूरिज्म माइनिंग, और दोनों भगवान ने उदयपुर के, तो फिर मैं तो यही कहूंगा कि भगवान आपने किस्मत ऐसी दी थी कि आप सब उदयपुर में रह गए और इस शहर को इमेंस पोटेंशियल है इसको आगे ले जाने का हमने काम। क्यों मैं 0 और 2 और 1 नंबर दूं? वो मैं मूल्यांकन करूंगा जब मेरे को मूल्यांकन करने का कोई काम मिलेगा, अभी मेरा काम पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या कर सकते हैं, कैसे और बेहतर कर सकते हैं, उस पर मेरी सोच होनी चाहिए, दैट इज व्हाट आई बिलीव। बातचीत का सिलसिला तो ऐसे चलता ही रहेगा, हम ऐसे ही सत्ता के दावेदारों से मिलते रहेंगे और हम शुक्रगुजार हैं प्रोफेसर डॉक्टर गौरव वल्लभ जी का कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से सवेरे के समय में हमारे लिए समय निकाला। शुक्रिया।